और मैं आपको आज दादाजी की डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो फटाफट चलते हैं अपनी कहानी की ओर और जानते हैं क्या है कहानी। वो सब तो ठीक है दादाजी, लेकिन क्या आपका किसी अजीब चीज़ से सामना नहीं हुआ? अतुल ने कहा। अब जब तुमने ये बात कह दी तो मुझे एक बड़ा डरावना किस्सा याद आया है, मैं उसे कभी भूल नहीं सकता। बहुत ही डरावना अनुभव था वो, और जिससे मेरा सामना हुआ था वो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं हुई थी बेटा, वो तो एक मारुआ था। मारुआ ये एक ऐसी आत्मा है जिसे पता ही नहीं होता है कि उसने अपना शरीर छोड़ दिया है। वो मरने के बाद भी वैसे ही जीवन जीती रहती है जैसे जिंदा होते हुए जी रही थी। कुछ महीने मैंने शहर में जाकर ड्राइविंग का काम शुरू किया था। उस समय मेरे साथ एक आदमी काम किया करता था, उसका नाम था सुंदर। वो मेरे साथ रात के सफ़र में दूर दूर तक जाया करता था। वो साल मुझे अच्छे से याद है, हम सुबह 4 बजे ट्रक में सामान डालकर निकल जाया करते थे और 48 घंटों तक का सफ़र तय करते थे। हमारी ज़िंदगी मानो काम करने में ही बीत रही थी। यूँ समझ लो हम अपने काम काजी ज़िंदगी में इतने व्यस्त थे कि हमें सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। कभी कभी तो हम एक एक हफ्ते घर भी नहीं जाया करते थे। तो दोस्तों, आगे की कहानी और भी ज़्यादा इंटरेस्ट होने वाली है, लेकिन उससे पहले आपसे मेरा एक सवाल है कि क्या आपने कभी रात के अंधेरे में अनजान साए को महसूस किया है? क्या आपको भी मेरी तरह भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी में इंटरेस्ट है? अगर हाँ तो छलावा केवल आपके लिए ही बना है, जो कि आपको मिल सकता है केवल इसी कहानी में। तो एक बार की बात है, जब हम दोनों कहीं जा रहे थे, शाम के 5 या 6 बजे होंगे। उस समय वो रास्ता बड़ा ही घुमावदार था। उस समय सुंदर ट्रक चला रहा था, अचानक रास्ते में एक मोड़ आया, लेकिन सुंदर ने हॉर्न नहीं दिया। जैसे ही गाड़ी मुड़ी वैसे ही अचानक मैंने अपने ट्रक के सामने एक कार को देखा। ये देखकर सुंदर डर गया और हड़बड़ाहट में वो ट्रक को काबू नहीं कर पाया। दोनों गाड़ियों की ज़ोरदार टक्कर हो गई। और उस हादसे में सुंदर और वो कार वाला दोनों ही मर गए। मेरी भी हालत बहुत ही गंभीर थी। सुंदर को सीधा सर पर चोट लगी, इसलिए वो बेचारा मर गया। मैं 15 दिनों तक हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा रहा, और जब होश आया तो सुंदर के बारे में पता चला। जब मैं कुछ हफ्तों के बाद ठीक हुआ तो वापस ट्रक का काम शुरू कर दिया मैंने, और उन दिनों जो मेरे साथ हुआ था वो मैं भूल चुका था। तो एक रात मुझे मेरे मालिक का कॉल आया और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे तुरंत आंध्र प्रदेश के लिए निकलना होगा। मैं चला गया उनके पास। तब ट्रक में सामान लोड हो रहा था। जब सामान लोड हुआ तो मैं जाकर अपनी ड्राइविंग सीट में बैठ गया, और मेरे पीछे 2-3 और ट्रक खड़ी हुई थी। जैसे ही मैं ट्रक में बैठा और ट्रक चालू किया तो मेरे ट्रक के दूसरी तरफ का दरवाज़ा खुल गया और मैंने देखा कि सुंदर ट्रक में चढ़ रहा है। वो मेरे बगल में बैठ गया और बोला, अरे चलो उस्ताद, बहुत लंबा सफ़र तय करना है उस्ताद। वो हमेशा मुझे वो बात बोला करता था। मैं उसे चौंक कर देख रहा था, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने कहा, तुम तो मर चुके हो ना यार। और मेरी बात सुनकर ना जाने उसे क्या हुआ, वो गुस्से में बोला, अरे उस्ताद क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारे सामने ही तो मैं बैठा हूँ और मैं तब तक नहीं मरूँगा।
जब तक मैं बड़ा आदमी नहीं बन जाता उस्ताद। और फिर मैं तुरंत ट्रक से उतरकर भूत 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 चिल्लाने लगा। बाकी के ड्राइवर आए और उन्होंने ट्रक के अंदर देखा, लेकिन उन्हें वहाँ कोई भी नहीं दिखाई दिया। उन्होंने कहा, अरे भाई क्यों मजाक कर रहे हो, हाँ चलो जल्दी, बहुत दूर जाना है भाई। और वो लोग अपने अपने ट्रक में चले गए। मैंने ट्रक के अंदर देखा और फिर आसपास देखा, जब कोई नहीं दिखाई दिया तो मैं ट्रक में बैठकर वहाँ निकल गया। मुझे फिर वो सब मेरा वहम लगने लगा। फिर मैं कुछ पुराने गाने सुनते और गुनगुनाते हुए आराम से ड्राइव कर रहा था। हम शहरी इलाकों से निकलकर सुनसान रास्ते में पहुंच चुके थे। पीछे जो दो तीन ट्रक आ रही थी वो फिर मेरे ट्रक के आगे आगे जाने लगी। कुछ देर के बाद मुझे किसी ने कहा, अरे उस्ताद ज़रा पानी तो दो। और फिर मैंने जैसे ही वो सुना, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मेरे बगल में क्योंकि सुंदर बैठा हुआ था, मैंने तुरंत ब्रेक लगाया और उसे देर तक घूरता करता रहा। मेरे सामने उसने पानी की बोतल ली और पानी पीने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। उसने फिर से कहा, मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है उस्ताद, तुम देखना उस्ताद, एक दिन ड्राइवर से मालिक बन कैसे बनता हूँ मैं उस्ताद। फिर मैंने कहा, तुम सच में नहीं हो, तुम मर चुके हो यार, मेरी बात समझो, तुम मर चुके हो यार। लेकिन वो मुझे बस घूर घूर कर देखने लगा। चले जाओ यहाँ से, अब तुम्हारी दुनिया कोई और है, तुम मर चुके हो, चले जाओ यार यहाँ से। लेकिन वो बस मुझे घूर रहा था। मैंने आगे जाने वाले ट्रक को देखा, लेकिन तब तक वो इतने आगे निकल रहे थे कि मुझे दिखाई भी नहीं दे रहे थे। मैंने फिर सुंदर की ओर देखा, लेकिन फिर ये देखकर चौंक गया कि वो वापस फिर गायब हो चुका है। मैंने ट्रक के बाहर देखा तो मैंने देखा दूर दूर तक कोई भी नहीं था। मैं बस वहाँ से निकल गया। कुछ घंटों के बाद हम सब एक ढाबे पर रुके खाना खाने के लिए। करीब 11 बज रहे थे उस समय। मैं ढाबे में हाथ धोने के लिए गया था और जब हाथ धोकर मैं वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि कोई मेरे बगल में खड़ा हुआ था। फिर मैंने उसकी ओर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि सुंदर ही था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे उसकी आत्मा बार बार क्यों दिखाई दे रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, इसलिए मैं अपने साथियों के साथ जाकर बैठ गया। वो लोग खाते हुए कुछ हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन मेरे पसीने छूट रहे थे क्योंकि सुंदर भी मेरे सामने बैठा हुआ हंस रहा था। खाना खाने के बाद मैं वापस ट्रक में जाकर बैठ गया। फिर सुंदर भी ट्रक में वापस आ गया और तब मुझे गुस्सा आया और मैंने कहा, अरे क्या चाहते हो तुम, हाँ तुम मर चुके हो यार, तुम्हारी दुनिया हमारी दुनिया से अलग है भाई, अरे चले जाओ भाई यहाँ से, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, ठीक है विश्वास नहीं है ना, तो जाओ अपने घर और देखो तुम्हारे घर में मरने का शौक अभी तक चल रहा है। और फिर ये सुनकर सुंदर मुझे कुछ देर तक घूरता रहा और ये सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि पता नहीं वो क्या कर देगा। लेकिन फिर अचानक वो कहीं गायब हो गया। डर के मारे मुझे वहीं तेज़ बुखार हो गया और मेरा सिर घूमने लगा। मैंने अपने साथियों से कहा कि मैं आगे ड्राइव नहीं कर पाऊँगा। तो फिर उसमें से एक आदमी ने ड्राइव किया और हम आंध्र प्रदेश पहुँच गए। वहाँ से हम घर वापस भी आ गए, लेकिन ढाबे के बाद मुझे सुंदर दिखाई नहीं दिया। मैं ये बात अच्छी तरह से जानता था कि कोई आत्मा तब तक भटकती है जब तक उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी ना हो जाए। और सुंदर की ख्वाहिश थी कि उसे बहुत बड़ा आदमी बनना है, जो कि अब पूरी नहीं हो सकती थी।
मुझे यही बात खाए जा रही थी कि वो मुझे क्यों दिखाई दे रहा है और किसी को क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। फिर ख्याल आया कि शायद मरने से पहले वो मेरे साथ था, इसलिए इसी तरह कुछ दिन बीत गए, सब कुछ ठीक हुआ, सुंदर मुझे दिखाई नहीं दिया तो मैंने निश्चिंत हो गया ये सोचकर कि अब वो सच में चला गया है। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। एक दिन मैं उसके घर के सामने से गुजर रहा था और तब जो नज़ारा मैंने देखा वो देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। उसके घर के अंदर से तीन तीन अर्थियां निकल रही थीं जो उसके माता पिता और पत्नी की थी। ये देखकर एक पल के लिए मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या देख रहा हूँ। उन अर्थियों को शमशान ले जाया जा रहा था और उनके साथ एक पंडित भी थे। मैंने उन्हीं से पूछा, पंडित जी ये क्या हुआ है इन लोगों को? तो पंडित जी ने कहा, भाई किसी ने मार डाला है इन्हें, डॉक्टर की जांच हुई है, अब इन्हें शमशान ले जाया जा रहा है। और फिर ये कहकर वो चले गए और मैं वहीं पर खड़ा रहा। तभी वहां खड़े एक आदमी ने कहा, अरे भैया बड़ी बुरी तरह से मरे हैं बेचारे, सबसे पहले मैंने ही इनकी लाश देखी थी भैया। और फिर उसके माता पिता की आंखें गायब थी और उसकी पत्नी के मुंह में लोहे का राड घुसा हुआ था और पोस्टमार्टम के हिसाब से इनकी मौत 2 दिन पहले हुई है। और देखो ना, किसी को पता भी नहीं चला कि उनका शरीर पिछले 2 दिनों से घर में ऐसे ही पड़ा हुआ था। न जाने किसने किया है ये सब, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मेरे मन में सबसे पहला ख्याल यही आया कि ये काम सुंदर का हो सकता है। वहाँ से भागकर मैं यहाँ गांव आ गया ताकि सुंदर से दोबारा मेरा सामना ना हो। करीब 2 महीने बीत गए उस बात को, सुंदर कभी मेरे सामने नहीं आया। फिर एक बार एक पुजारी यहाँ आए थे, उनके लिए कहा जाता था कि वो काफ़ी जाने माने पंडित थे। मैंने उनसे सुंदर वाले किस्से के बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि जिन लोगों की ऐसे हादसे में मौत हो जाती है या जिनकी ख्वाहिश अधूरी रह जाती है, उनकी आत्माओं को मरने के बाद भी ऐसा लगता है कि वो जिंदा हैं।